अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विनेश है और मैं रहती हूँ एनी टाइम आप लोगों के साथ। और आप लोग करते हैं मुझे बर्दाश्त, मुझे देखते हैं। तो चले जी, आप लोग के साथ करती हूँ रूटीन शेयर। तो जी फाइनली हमारी सुबह हो चुकी है और हमारे सारे काम वाम भी हो चुके हैं। वैसे तो मैं कोई काम नहीं करती सुबह में उठ के, सारे काम जो हैं वो अम्मी, शाजिया और ये सब करते हैं। हमेशा की रूटीन की तरह हमारा शीशा रहता है गंदा क्योंकि बच्चे हाथ बहुत ज़्यादा इस पर मारते हैं। तो आज मैंने पहना है रेड वाला सूट ऑफिस जाने के लिए। मेरा बहुत दिल चाह रहा था रेड सूट पहनने के लिए, तो मैंने आज वेयर किया है रेड सूट। क्या है आहिस्ता बोलो। तो मैं ज़रा बाहर का वेदर देखूँ, कैसे धूप हो रही है। वो देखे 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 कैसे कड़कती धूप हो रही है। और हमारी शाजिया काम करके जा रही है, तो बस हम भी निकलते हैं ऑफिस के लिए। मैंने अपना बैग उठा लिया है ऑफिस जाने के लिए और सूट के साथ मैं पहनूंगी खुदसा। आज मेरे पाँव हो रहे हैं चिट्टे चिट्टे क्योंकि मैंने बहुत रगड़ रगड़ के धोए हैं। चाहे फिर खुदसा पहनूं या कोई हील वाली चप्पल पहनूं, मैं सॉक्स पहने बगैर रह भी नहीं सकती। और आज घानिया भी मुझे देख के पहन दिया खुदसा। तुम खुदसा नहीं पहनती? नहीं। क्यों? क्या हुआ? मुझे लगता है मेरे ऊपर रेड कलर बहुत सूट करता है, तो आप भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो फाइनली हम लोग जो हैं वो ऑफिस के लिए रेडी हो चुके थे और बस अब निकलने लगे हैं, निकल चुके हैं तकरीबन। अब यहाँ से पकड़ते हैं कोई ऑटो। आया मासी गानिया को ना, ये मैंने जूता दिलवाया ये वाला ये मुझे गालियाँ देती है कि तूने मुझे इतना गंदा जूता दिलवाया। वैसे तो इसने अपने ही पैसों से लिया, लेकिन मैंने इसको बोला गानिया ये ले 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 सस्ता है, तो ये मुझे अभी तक गालियाँ देती है कि मैं तुम्हें अच्छी चीज़ दिलवाती हूँ और तुम मुझे गंदी चीज़, तुमने मशवरा दिया और गंदी चीज़ दिलवाई मुझे। भाई चुप कर जा। पुराना सामान लेते हैं, पुराना सामान लेते हैं, इसको ले लें। तो फाइनली यहाँ से मिला हमें अपने लिए ऑटो, जो कि हमारी रोज़ की डील 70 से 100 रुपये में होती है। हमने रोज़ की डील बनाई और आज हम दोनों ने पहना है एक ही जैसा खुस्सा। उसके कपड़ों के साथ वाला मेरे साथ मैच हो रहा था, मेरे खुस्सा उसके कपड़ों के साथ मैच हो रहा था। तो बातें करते करते पता ही नहीं चला कब ऑफिस पहुँच गए हम लोग। तो बस अल्लाह का नाम लेके मैंने किया काम स्टार्ट। सबसे पहले मुझे अपना कुछ ज़रूरी काम करना था, वो किया। और मैंने अपने फ़ोटोग्राफ़र यानी गानिया से कहा तुम बनाओ मेरी वीडियोस और फिर मैं उसे एडिट करूँगी। देन गानिया ने कैमरा पकड़ा और मेरी वीडियोस बनाई। लो जी, और दोपहर के बज चुके थे 2। नमाज़ पढ़ी रूटीन के मुताबिक और रूटीन के मुताबिक पढ़ी अपनी तस्बीह, जो कि मुझे लाजमी पढ़नी होती। उसके बाद मुझे दरवाज़ा लगा लें। तो फाइनली हम लोग जो है वो ऑफिस से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं घर। और आज है पहला रोज़ा और बहुत एक्साइटमेंट है, तैयारी करनी है। और घर जाके मैंने करनी है तैयारी, मैंने बनाने हैं समोसे और उसके अलावा पकौड़ों का सामान बनाना है। उसके अलावा चाइनीज़ खाने जो भी हैं उनका सबके रेसिपीज़ वगैरह जो है वो बनाकर रखनी है। ऑफिस से निकलने के बाद मैंने जब बैग देखा तो बैग में थे बहुत कम पैसे। मुझे चाहिए थे ज़्यादा पैसे, तो हमने निकाला 20,000 रुपया क्योंकि मुझे और भी ज़रूरत थी, किसी के पैसे देने भी थे और राशन भी खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत लेना था, यानी सामान लेना था, सब्जियां लेनी थी, चिकन लेना था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेनी थी। वॉइस ओवर करते करते मुझे हो रही है साथ साथ खांसी। रमज़ान के दौरान देखें फूड स्ट्रीट्स मार्केट सब कैसे बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है, रोड्स बिल्कुल खाली। तो फाइनली मैंने तैयारी करके अफ्तारी की, तो मैंने नमाज़ पढ़ी और बाहर का बेहतर देखा, सोचा थोड़ा सा बाहर चक्कर लगा करो। फ्राई करने से पहले मैं बाहर आई, बाहर का वेदर देखा, वेदर बहुत प्यारा हो रहा था। शाम के बज रहे थे 6 और मुझे फ्राई करने से पहले मैंने सोचा बाहर का चक्कर लगा लूँ।
कर रहे हैं। रोजा खोलने के बाद अब मैं जा रही हूँ मगरिब की नमाज पढ़ने, और जिस्म बहुत ज्यादा लेजी हो रहा है, बॉडी बहुत लेजी हो रही है, दिल भी नहीं चाह रहा उठने को बिल्कुल भी। रोजा रख के बहुत एक्टिव रहते हैं, जैसे ही ओपन रोजा खोल लेते हैं तो बहुत ज्यादा लेजी हो जाता है। तो खैर उठती हूँ और पढ़ती हूँ नमाज। तो फाइनली गाइज हमारा जो है वो सारे काम हो चुके हैं, नमाज पढ़ चुकी हूँ, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।